देखो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन क्या है, द टॉप ऑफ हिल ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ एयर बिल्डिंग ऑफ हाइट एच इज एट एंगल्स ऑफ एलिवेशन इज पी एंड क्यू रिस्पेक्टली देन हाइट ऑफ द हिल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ग्राउंड हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक एक ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। इस पे एक हमारे पास एच हाइट की ये बिल्डिंग है, ये एच हाइट है इस बिल्डिंग की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, और ये एक हमारे पास देखो टॉप ऑफ द हिल ऑब्जर्व फ्रॉम, एक हिल है ये हमारे पास, ये एक हिल है, ठीक है। इसके हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो इस हाइट को हम मान लेते हैं कैपिटल एच है, ठीक है। इस हाइट जो हिल की हाइट है वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस बिल्डिंग की हाइट से, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, टॉप टॉप से यदि हम यदि इस बिल्डिंग की हाइट को मेजर करेंगे, देखो ये बिल्डिंग की हाइट को इस तरह से मेजर करेंगे, तो ये जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये जो एंगल होगा वो हमारे पास गिवन है पी। एंड बॉटम से जब मेजर करेंगे, यानी कि इसकी हाइट यहाँ बॉटम से, तो ये एंगल हमें गिवन है क्यू, ठीक है। तो अब हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये हाइट एच है, तो ये हाइट भी कितनी होगी, एच ही होगी क्योंकि पैरेलल है, ठीक है। और ये हाइट कितनी आ जाएगी, एच माइनस एच, क्योंकि पूरी हमने कितनी मानी है हिल की हाइट कैपिटल एच, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है यहाँ तक। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये हम मान लेते हैं हमारे पास ये डिस्टेंस है वो है एक्स है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, एक्स होगी। अब देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल, ये पॉइंट ए एंड बी मान लेते हैं, ये पॉइंट सी एंड डी है, तो ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी में यदि टेन क्यू लिखेंगे हम, देखो टेन क्यू, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी डी में यदि टेन क्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए डी अपॉन ए बी, तो ए डी तो हिल की हाइट कितनी है कैपिटल एच, तो कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एक्स, ठीक है। अब ट्राइंगल ये मान लेते हैं पॉइंट हमारे पास ई है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ई सी एंड डी में, ठीक है, ई सी डी में यदि हम टेन पी लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, दिस डी ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो डी ई कितना है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन एक्स, ये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे और वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन टेन क्यू, और ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, टेन पी इज इक्वल टू स्मॉल कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन टेन क्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन पी इज इक्वल टू एच माइनस स्मॉल एच बाई एच इंटू टेन क्यू, ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा। अब देखो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे इस तरफ टेन क्यू को, तो यह आ जाएगा टेन पी माइनस टेन क्यू इज इक्वल टू एच को अंदर डिवाइड कर देंगे, तो वन माइनस एच अपॉन कैपिटल एच, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एच अपॉन कैपिटल एच इज इक्वल टू वन माइनस टेन पी माइनस टेन क्यू, यदि टेन क्यू को एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, टेन क्यू माइनस टेन पी, ठीक है। अब यहाँ से हम एच इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एच इंटू टेन क्यू अपॉन टेन क्यू माइनस टेन पी, ये हमारे पास हिल की हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो एच इंटू टेन क्यू अपॉन एच इंटू टेन क्यू अपॉन टेन पी माइनस क्यू, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, यही आएगा यहाँ पे, यही हमें प्रूफ करना था। और यदि हम कोट के रूप में, कोट की फॉर्म में लिखेंगे, तो कोट को क्या लिखेंगे, देखो कोट में बदलेंगे तो एच इज इक्वल टू कोट, टेन को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कोट, तो एच अपॉन कोट क्यू अपॉन वन अपॉन कोट क्यू माइनस वन अपॉन कोट पी इज इक्वल टू कोट पी, टेन पी ए कॉमन ले लेंगे, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा एच इंटू कोट पी अपॉन अपॉन में क्या जाएगा, कोट पी माइनस कोट क्यू, ये कोट की फॉर्म में आएगा, तो एच इंटू कोट पी अपॉन कोट पी माइनस कोट क्यू, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को यदि हम चेक करें तो टेन क्यू माइनस टेन पी आ रहा है, सॉरी यहाँ पे टेन
क्यू माइनस टेन पी आर है तो थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता, ओनली सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इजी।